हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डीएलएड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है। आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं और एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना होगा इस वेबसाइट पे, देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट onlineprocess.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए चेक मेरिट लिस्ट, सामने आपको मिलेगा ब्लू कलर में, क्लिक हियर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी यहाँ पे कॉलेज होंगे, डायरेक्ट कॉलेज या बाइट कॉलेज जो होंगे, वो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं वेस्ट चंपारण पे भी आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे मैं आपको किसी एक रैंडमली, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर से हूँ, मुजफ्फरपुर का हम देखना चाहते हैं, तो मुजफ्फरपुर पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल पेज पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको आप डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से देख सके पेज को अच्छे से। यहाँ पे अब आपको मिलेगा देखने के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए आर्ट्स, उर्दू और साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आर्ट्स का देखना चाहता हूँ, आर्ट्स पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जो होगा वो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। ओपन करते हैं, डाउनलोड होने के बाद जब ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए कि जो यहाँ पे सेशन दिया हुआ है 21 और 23 में, यहाँ पे ये फाइनल आपका मेरिट लिस्ट है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाम, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपका मैट्रिक का परसेंटेज कितना था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटर का परसेंटेज मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यानी एवरेज जो मार्क्स हुआ टोटल मार्क्स, यहाँ पे पेमेंट आईडी भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखाएगा कि कितना आपका हाईएस्ट है, और नीचे जब सबसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, सबसे लास्ट में इसका कट ऑफ कितना गया है मिनिमम, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए 33.3, यानी लगभग यहाँ पे सभी स्टूडेंटों का नाम दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे सीट के अनुसार जो कट ऑफ होगा वो कैसे फिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें से सबसे पहले ऊपर से ही शुरू किया जाएगा, आप सबको पता है, अगर मान लीजिए इस कॉलेज में 50 सीटें हैं तो ऊपर से सिलेक्ट किया जाएगा 50 नंबर तक। पहले यहाँ पे 50 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 50 तक का ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर 50 स्टूडेंट नहीं पहुँच पाते हैं सिलेक्शन में, तो यहाँ पे जो उसके बाद वाला है, यानी जो 51 नंबर वाला कैंडिडेट है, यानी रितिका कुमारी जैसे हम बोल लें, इनको बुलाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट होंगे, यानी प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे लिस्ट जो है यहाँ पे बढ़ता आएगा। आगे बढ़ते हैं एडमिशन की प्रोसेस में, हम चलते हैं आगे बताया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे अंतिम मेगा सूची आज जारी हो चुका है, आपका एडमिशन जो होगा 9 तारीख या 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। प्रथम जो सूची होगी और प्रतीक्षक जो सूची से नामांकन 3/11/2021 तक किया जाएगा, उसके बाद नामांकन जो समाप्त हो जाएगा आपको 4/11/2021 तक, यानी 4 नवंबर तक आपका जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके बाद कोई कैंडिडेट अगर चाहे एडमिशन लेने के लिए तो उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट नामांकन के लिए उसको कॉल जाता है, अगर वो नहीं आ पाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे है जो उसको बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी वेबसाइट की, यानी दूसरे कॉलेज की। तो यहाँ पे आपको आना है फिर से होम पेज पे। इस पे आने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे अपने कॉलेज का यहाँ पे वेस्ट चंपारण का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी डेस्कटॉप साइड करेंगे, देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है, और यहाँ पे भी वैसा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो
आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज का यहाँ पे आपको अगर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, यानी या हमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।